आपका क्या व्यू रहेगा निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर? शॉर्ट टर्म ट्रेड तो आप लेते नहीं, लेकिन अब यहां से जो एक नजरिया ले रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं इंडेक्स पर? शॉर्ट थे आप बहुत समय पहले तक, कवर किए आपने या फिर फ्रेश शॉर्ट बनाए? मैडम, सबका शॉर्ट टर्म और सबका लॉन्ग टर्म अलग अलग है, तो मेरी उम्र के अनुसार मैं अभी भी काफी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ। तो वेरी शॉर्ट टर्म में आपको आज बताएं, डाउन ट्रेंड निफ्टी बैंक निफ्टी का बिल्कुल मजबूत है और बना हुआ है। S&P 500 और नैसडेक, जिस पर हम लास्ट 2 सप्ताह आपसे बात कर रहे थे कि एक बड़ा डाउन ट्रेंड वापस रिज्यूम हो रहा है, वो हो गया, पर एक इंटरिम रैली अब नैसडेक और S&P में हो सकता है आज रात से या कल से बन जाए। और उस इंटरिम रैली के बीच में अगर कोई निफ्टी में 400-500 पॉइंट का बीच में कुछ बाल आ जाए तो उसे मैं अप ट्रेंड नहीं कहूंगा। या 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर तो चना कुरमुरा रहा है, वो कभी भी एक फ्लैश इन द पैन आ सकता है, तो इतनी संभावना बचती है। अब इंडिसेस के अपार्ट बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं या कुछ सेक्टर्स हैं जो इस तरह से बिहेव करते हैं। 12 महीना ये फिनोमिना आपको देखने मिलती है कि कोई ना कोई सेक्टर और कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा इंडेक्स कुछ लेना देना ही नहीं। हो गई। अब कौन से इंडिविजुअल सेक्टर्स में आपको कुछ पॉसिबल पोजिशनल ट्रेड्स नजर आ रहे हैं सुशील? देखिए, अगर हम अडानी समूह के स्टॉक्स को अगर सेक्टर कह सकते हैं तो अडानी इंटरप्राइजेस, चलिए आज चार्ट के साथ ही बात करते हैं, ओपिनियन तो सबके पास है, थोड़ी एनालिसिस दी जाए आप लोगों को। ये देखिए, आप अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर, अगर मेरी स्क्रीन शेयर अगर हो पा रही है, अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर की ये डेली चार्ट है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, एक्सट्रीम बेयरिश कंसेंसस था, 4 दिन का बहुत तगड़ा रिबाउंड आया, 900 वाला स्टॉक करीब करीब 2200 हो गया, और उसके बाद इतने दिन तक ये शनै शनै उसने एक हायर बॉटम बनाया, और हायर बॉटम बना के स्लैग पैटर्न के बाहर पिछले 3 दिन में निकल गया। तो स्टोरी तो नेगेटिव ही है, डिस्कोर्स तो नेगेटिव ही है, और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। जितने साल से भी मैंने शेयर बाजार को देखा है, 30 साल से मैं यही देखता हूँ, तेजी की स्टोरी तेजी खत्म होने के बाद खत्म होती है, मंदी की स्टोरी मंदी खत्म होने के बाद होती है। उसका कारण ये है कि सब्जेक्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव डेटा, डिस्क्रिप्टिव ग्राफिकल स्टोरीज ऑब्वियसली विल बी बैकवर्ड लुकिंग, स्टॉक मार्केट विल बी द मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग। शेयर बाजार का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर शेयर बाजार खुद है, भाव का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर भाव है। तो अडानी की चार्ट डेफिनेटली रिवर्सल हो चुकी है, कम से कम ये 2200 तक जाए इसको, और क्या पता, ये मेरे को लगता है 2700-2800 भी हो जाए। अभी ऐसी चार्ट है, इसका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, सबको अपना अपना अलग रखना पड़ेगा।